मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा, आज हम BSc पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ IR के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ IR के अंतर्गत पदार्थ का IR स्पेक्ट्रा ज्ञात करने के लिए हम मुख्यतः KBR टैबलेट का यूज़ करते हैं, और उसमें जो सामान्यतः सॉल्वेंट काम में लिए जाते हैं वो CCl4, CCH3 और कार्बन डाइसल्फाइड आदि लिए जाते हैं। इसी में नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ IR। जब किसी भी कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रा ज्ञात किया जाता है तो उस कंपाउंड पर IR रीजन से रेडिएशंस जो है वो डाली जाती हैं। उसका कुछ पार्ट कंपाउंड द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट उसने एब्जॉर्ब की है IR रीजन से, उसको म्यू बार के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है वह आपका IR स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। उस IR स्पेक्ट्रोमीटर में बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य की विकिरणें जो है उस पदार्थ पर डाली जाती हैं, और विकिरणों के प्रतिशत उत्सर्जन को ज्ञात किया जाता है। आवृत्ति बढ़ती जाती है और तरंग दैर्ध्य भी उसी अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा होती है, जिसको एक ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एक्स एक्सिस पर वेव नंबर होता है और वाई एक्सिस पे उसका एब्जॉर्प्शन या उत्सर्जन कितना हुआ है, तो उससे IR स्पेक्ट्रम जो है वो ग्राफ के रूप में हमको प्राप्त होता है। आवृत्ति को तरंग संख्या में प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी इकाई पर सेंटीमीटर होती है। प्रतिशत उत्सर्जन, कितनी लाइट का उसने उत्सर्जन किया या एब्जॉर्प्शन किया है उस IR रीजन से, उसकी इकाई माइक्रोमीटर में होती है। किसी भी IR स्पेक्ट्रम किसी भी पदार्थ का जब IR स्पेक्ट्रम ज्ञात किया जाता है तो उसके जो बैंड्स प्राप्त होते हैं वह मुख्यतः दो रीजन में प्राप्त होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ IR। 4000 से 1500 तक का रीजन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाता है। 1500 से 600 पर सेंटीमीटर तक का रीजन जो होता है वो फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। चार हज़ार से 1500 तक के फंक्शनल ग्रुप रीजन में किसी भी कंपाउंड में उपस्थित जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसकी बैंड्स हमको प्राप्त होती हैं, जबकि 1500 से 600 तक पर सेंटीमीटर का क्षेत्र जो है वो फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। इस क्षेत्र में पूरे अणु में होने वाले जटिल कंपनों के कारण अवशोषण बैंड जो है वो प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में 1430 से 910 पर सेंटीमीटर तक के क्षेत्र में संपूर्ण अणु के जटिल कंपनों के कारण बहुत सारे स्पेक्ट्रम या बैंड प्राप्त होते हैं। किन्हीं दो यौगिक के लिए इस क्षेत्र के अवशोषण बैंड भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत ज़्यादा समानता रखने वाले यौगिक, जिसको हम कह सकते हैं जो आइसोमर होते हैं, उन यौगिकों के स्पेक्ट्रम में भी इस क्षेत्र में अवशोषण बैंड की तीव्रता एवं आवृत्ति में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र को अंगुली छाप क्षेत्र या फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, क्योंकि किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना हो
तो हम फिंगरप्रिंट में आए अवशोषण बैंड के आधार पर उसको अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो एक से अधिक कंपाउंड के सेम हो सकते हैं। तो उस केस में वहाँ पर तो पीक जो है वह सेम आएंगी, परंतु जो डिफरेंस आएगा वह उसके फिंगरप्रिंट रीजन में आता है। तो फिंगरप्रिंट रीजन जो है वह आईआर स्पेक्ट्रम का मेन पार्ट होता है, जिससे कि हम किसी भी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। जिस प्रकार दो मनुष्यों की अंगुलियों की छाप एकदम समान नहीं हो सकती है, उसी प्रकार किन्हीं दो यौगिकों के फिंगरप्रिंट रीजन में अवशोषण बैंड एक समान नहीं हो सकती हैं। केवल जो आइसोमर्स जो होते हैं, आइसोमर्स जो होंगे वह ही फिंगरप्रिंट रीजन में सेम पोजीशन पर अपना अवशोषण बैंड देते हैं, परंतु अगर दो डिफरेंट कंपाउंड हैं तो उनके फिंगरप्रिंट रीजन में उनका स्पेक्ट्रा समान नहीं आता है। यहाँ तक कि एकदम समान संरचना वाले प्रतिबिंब रूपी जुड़वा यौगिकों के आईआर स्पेक्ट्रम के अंगुली फिंगरप्रिंट रीजन में कुछ भिन्नता अवश्य आ जाती है। अतः किसी यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम से उस यौगिक की संरचना के बारे में पूर्ण सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये तरीका या ये रीजन है जिसमें देख करके हम किसी भी कंपाउंड के आईआर स्पेक्ट्रा का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू।